और दिल्ली में दो दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है और ये शादी 12 मार्च को दिल्ली में ही होगी। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी से होगी। इस शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होगी और 12 मार्च को शादी होनी है। शादी के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल मिल चुकी है और इसी 6 घंटे में शादी की तमाम रस्मों को पूरा किया जाना है। ये बड़ी खबर है। तैयारियां शादी की पूरी हो चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 12 मार्च के लिए अब 6 घंटे की पेरोल काला जठेड़ी को मिल चुकी है। लेडी डॉन यानी कि मैडम मिंज और अनुराधा चौधरी शादी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दोनों अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुराधा चौधरी हैं जो बहुत जल्द साथ फेरने जा रही हैं। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। अभी आपका एक लंबा सफर था जो क्राइम की दुनिया का रहा है, आप पे किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, बहुत सारी आपने जेल भी गई हैं। अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही हैं, एक गैंगस्टर के घर की, और शादी करने जा रही हैं। पहली प्रतिक्रिया? मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक वासन साहब की कोर्ट ने हमें परमिशन दी है। एक क्रिमिनल का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग डायलॉग तो मारते हैं लेकिन कोई अलाउ नहीं करता है कि वो दोबारा समाज में मेन स्ट्रीम में लौटे। उसके लिए स्टेप्स उठाना या फिर इस तरीके के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। उन्होंने हमें अलाउ किया तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बाद में और लोगों को भी परमिशन मिलेगी और लोग भी क्राइम से वापस मेन स्ट्रीम में लौटेंगे। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की कितने साल बाद अपने घर वापसी हो रही है जठेड़ी गांव में? 16 साल, शायद 16 या 15 साल बाद। तो परिवार के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी का मौका है, चाहे उनका बेटा जेल में रहा इतने साल तक और अभी भी जेल ही जाएगा शादी के बाद, क्या कहना चाहिए? उनकी माँ खास तौर से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा दोबारा वापस उनके पास में आए, ये सब चीज़ें छोड़ के उसका घर बसे, और वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि गृह प्रवेश के साथ में थोड़ी बहुत इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी। अनुराधा चौधरी, मैडम मिंज ने तो क्राइम की दुनिया छोड़ दी, अपराध का रास्ता छोड़ दिया है। आप, हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, लेकिन क्या संदीप अब जुर्म का रास्ता छोड़ेंगे, शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे? जितने मुकदमे चल रहे हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे या सजा हो जाएगी उनको? वो छोड़ चुके हैं, उन पे एलिगेशन लग रहे हैं लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एलिगेशन है, फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो संदीप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अनुराधा, आपकी शादी बिल्कुल फिल्मी शादी के तौर पर देखी जा रही है, काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि एक कुख्यात लेडी डॉन रही हैं आप, आपके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत सारे। संदीप 4 राज्यों के वांटेड रहे हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। आपकी शादी पर गैंगवार का छाया भी मंडरा रहा है, ऐसे भी एजेंसी के सूत्र हैं, बहुत सारी पुलिस वहाँ पर होगी, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है। दिल्ली डिपार्टमेंट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने, और भी स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, और इस तरीके के डिपार्टमेंट ने हमें अश्योरेंस दिया है और मुझे लग रहा है और वाकई में फैक्ट भी यही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में 12 मार्च को होने वाली इस शादी पर 4 राज्यों की पुलिस के साथ साथ कई गैंग और गैंगस्टर्स की भी नजर रहने वाली है। शादी के लिए काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल मिल चुकी है यानी कि इस दौरान वो जेल से बाहर रहेगा, लिहाजा दोनों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी पर खतरा भी मंडरा रहा है लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा है कि पुलिस उनके लिए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने वाली है। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि इस पर आपकी शादी पर विरोधी गैंग की बहुत पैनी नज़र है कि कुछ पैनिक करने की कोशिश करेंगे, संदीप को टारगेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहली बार संदीप जो है वो कहीं ऐसे पब्लिक भीड़ में शामिल होने आ रहा है खुद की शादी के लिए। इससे पहले हम हमेशा पुलिस और जेल की सुरक्षा के बीच में रहता है, आपको लग रहा है कुछ पैनिक ना हो इसको लेके? हम तो पैनिक नहीं है, संदीप भी नहीं है, और जो डिपार्टमेंट है मुझे लगता है वो अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाएगा और उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, नहीं करने देंगे वो लोग कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर फिर भी कुछ होना लिखा है तो वो भगवान ने लिखा है और वो हमारा प्रारब्ध है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
शुक्रिया। तो ये थी अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, मैडम मिंज, जिनकी शादी होने जा रही है, और संदीप जो है महज कुछ घंटे के लिए अपनी ही शादी में शिरकत करेगा, उसके बाद वो वापस तिहाड़ जेल चले जाएगा। और अनुराधा चौधरी ने बताया है कि वो बहुत जल्द वकालत पूरी करके अपने पति का जो केस है, कानून लड़ाई है, वो खुद लड़ेंगी। कैमरा पर्सन विमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जठेड़ी गाँव, सोनीपत।